इधर विकास नगर के शीशमबाड़ा में मौजूद वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के गेट के बाहर स्थानीय लोगों ने धरना दिया। पछतावा दो टन संयुक्त समिति के बैनर तले स्थानीय लोग लंबे समय से गंदगी और बीमारियों का हवाला देते हुए इस प्लांट को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि पहले भी प्लांट हटाने का झूठा आश्वासन देकर इनके धरने को समाप्त कराया गया था, लेकिन प्लांट तो हटा नहीं, उल्टा नगर निगम जल्द ही यहां एक बड़ा बरसाती नाला बनाने जा रहा है, जिसकी खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने एक बार फिर से अपना विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी, तहसीलदार सहित अपर नगर आयुक्त ने मौके पर ही पहुंचकर लोगों से बात की और एक हफ्ते का समय मांगकर धरना समाप्त कराया। विकास नगर से देखिए, जो स्थानीय जनता है उन्होंने आज जो शीशामाड़ा जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है उसमें अपना विरोध प्रदर्शन जो किया था उसी के संबंध में अवगत कराना है कि जो उनका जो प्रिंट मीडिया के हवाले से जो खबर आई थी जिससे जो है ये एक ऐसी परिस्थिति बन गई कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्लांट शिफ्ट नहीं होगा। मैं उन्हें पुनः आश्वासन देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि प्लांट को शिफ्टिंग की जो है प्रक्रिया गतिमान है और ये केवल वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो है इसको देखा जाए। देखिए, हम धरना प्रदर्शन 2019 से ही कर रहे हैं इसके खिलाफ। ये 2015-16 के आसपास ये प्लांट लगाया गया था, तब से रेगुलर इसका विरोध जारी है। लेकिन अभी हमने पिछले साल हमें प्रशासन ने एक आश्वासन दिया था कि हम जल्दी इसे यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहे हैं, लेकिन कल फिर एक अखबार में खबर छपती है कि प्रशासन यहाँ एक नाला बनाने जा रहा है बरसाती पानी को साइड में निकालने के लिए और एलटीपी की क्षमता बढ़ाने जा रहा है। तो हमारा विरोध इसी बात को लेकर था कि जो बाढ़ का पानी आता है वो बाढ़ के पानी को एक नाले के से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो नाला भी ना बनाया जाए और यहाँ एलटीपी प्लांट लगाने के बारे में भी ना सोचे प्रशासन, इसी को लेकर के हमारा विरोध था।